नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अब चुनाव आयोग राहुल गांधी को भेज सकती है कारण बताओ नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। इस संवाद में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वर्चुअली शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी यहां नामांकन रैली भी निकालेगी। इस दौरान सभा का भी आयोजन किया जाएगा। गूगल आज से अपनी पॉडकास्ट सर्विस बंद करने जा रही है। कंपनी ने खुद इस बात की जानकारी दी। अगर आप भी गूगल की पॉडकास्ट सर्विस का इस्तेमाल करते थे तो अब नहीं कर पाएंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल बाहुबली नेता पप्पू यादव ने अपने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वो 4 तारीख को अपना नामांकन पत्र पूर्णिया से ही दाखिल करेंगे। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव से पुनः आग्रह भी किया है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से राजस्थान के कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के महाकौशल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी को एक बार फिर से फुल बहुमत देने की अपील करेंगे। कल प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तो ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आपके संचार प्रभारी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री और सहयोगी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और नायर से उनकी बातचीत सीमित थी। अब माना जा रहा है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। जिस जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, उसके जेल अधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी, कहा अब तुझे ठोकना पड़ेगा, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के पकड़ीदयाल स्थित निजी मार्केट की बिजली कटने से नाराज आरजेडी के नेता राइफल लेकर बिजली कर्मी के घर पहुंचकर हंगामा किया और स्वजनों को धमकाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरजेडी नेता का राइफल जब्त कर लिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने थामा कांग्रेस का हाथ, पटियाला से परनीत कौर के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तराखंड में प्रचार अभियान के दौरान यूपी के सीएम पैतृक गांव पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अनिल वलूनी, पंचूर में योगी आदित्यनाथ के मां से लिया आशीर्वाद। हरियाणा की सबसे हॉट लोकसभा सीट रोहतक पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा हो रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। झारखंड में इंडी गठबंधन के सीट फॉर्मूले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सह आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू नाराज नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड की एकमात्र सीटिंग सीट सिंहभूम छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी तक पूर्व सीएम भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप, राशन सहित प्रदेश के सभी घोटालों का संरक्षक और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का एटीएम बताती थी। वहीं अब बीजेपी ने एक साथ चावल मिलिंग, कोयला परिवहन और शराब घोटाले का मुद्दा उछालकर बघेल को चारों ओर से घेर लिया है। शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है, जहां बरमान के रहने वाले डॉक्टर आशुतोष महाराज ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कुछ साल पहले आशुतोष दिल्ली में ही रहते थे और वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़े थे, जहां आशुतोष ने आरोप लगाया है कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने का आश्वासन देकर केजरीवाल ने लगभग
लाख रुपए लिए थे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने उनके अनुयायियों से भी लाखों रुपए वसूले हैं। मनाली कीरतपुर फोर लेन पर अगस्त की आपदा के बाद से बंद कैची मोड़ सोमवार को बहाल हो गया। फिलहाल कुल्लू से मंडी की ओर आने वाले वाहन ही यहां से गुजरेंगे। सोमवार को उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने मोड़ का निरीक्षण करके इसे बहाल कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास दो अलग अलग स्थानों पर एक पाकिस्तानी ड्रोन और संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही देखी गई और इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पिछले 5 वर्षों में सांसदों के प्रदर्शन की एक सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक संसद में सवाल पूछने के मामले में पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार देश में नंबर 1 पर हैं। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में संसद में सबसे अधिक सवाल पूछे। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के बीच ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव सहित 6 लोकसभा सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। वहीं सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने संकेत दिया है कि अब इसका समाधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ही निकल पाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक शिक्षिका को अरेस्ट करने का आदेश दिए जाने का मामला सामने आया है। आदेशानुसार चुनाव कार्य में उपस्थित नहीं होने पर शिक्षिका हीनल प्रजापति को अरेस्ट करने के लिए आदेश जारी किया गया था। अब डिप्टी कलेक्टर की दखल के बाद शिक्षिका को राहत मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही शाह ने दिल्ली में रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर इंडी गठबंधन पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही। बिहार में मैट्रिक परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं का रहा जलवा। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद सफल हुए छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला, वहीं शांति पब्लिक स्कूल दान चकला में सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी गई। जहां प्रचार राजदीप ने बताया कि हमारे यहां से कुल 60 विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा में भाग लिया, उनमें से 52 विद्यार्थी फर्स्ट डिविजन से पास किए, इसमें 18 विद्यार्थियों ने 400 से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। वहीं सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत बुद्ध महात्मा पब्लिक स्कूल दान चकला के छात्र प्रशांत कुमार ने 361 अंक प्राप्त करके अपने और अपने शिक्षक का मान बढ़ाया। प्राचार्य प्रीतम कुमार ने बताया कि प्रशांत कुमार ने अपने और अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मेरे चुनाव लड़ने के स्थल चयन की वजह से टिकट घोषणा में देरी हुई, पार्टी में नहीं थी कोई दुविधा, वरुण गांधी के सुल्तानपुर जाकर प्रचार करने के कयास पर लगाया विराम, कहा बीमारियों के चलते वरुण परिवार के कामकाज में व्यस्त हैं। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।